हुआ है। मोकामा नगर परिषद में वार्ड पार्षदों के विरोध के बाद बैठक स्थगित। आज मोकामा नगर परिषद में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मोकामा नगर परिषद में सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार, सभापति नीलेश कुमार, उप सभापति नीतू देवी, सभी वार्ड पार्षद और नगर परिषद के कुछ कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में कर्मचारियों की उपस्थिति का करीब 23 वार्ड पार्षदों ने विरोध किया और उन्हें बैठक से बाहर निकालने को कहा। विरोध कर रहे वार्ड पार्षदों ने कहा कि उन्हें क्या पता वो सभापति के लठैत हैं या कोई और, वो किस अधिकार से बैठक में शामिल हुए हैं, ऐसा वार्ड पार्षदों का कहना है। हंगामे के बीच सभापति नीलेश कुमार बैठक छोड़कर चले गए। विरोध कर रहे वार्ड पार्षदों ने बताया कि बैठक प्रत्येक माह होनी चाहिए, जो 3 महीने पर हो रही है। वार्ड पार्षदों का आरोप है कि 9 महीने से विकास कार्य ठप है। बोर्ड की कार्रवाई चल रही थी, स्टार्ट होने से पहले कर्मचारी जिनको नहीं बैठना चाहिए, वार्ड पार्षद का इजाज़त लिए बगैर या अध्यक्ष का इजाज़त लिए बगैर जिनको नहीं बैठने देना चाहिए, यहाँ बैठाया गया, इसी को वॉकआउट कर रहे हैं वार्ड पार्षद। तो इसलिए सब पार्षद स्टाफ लोग को बैठा कर रखा गया है, जिसमें बोर्ड में नियम नहीं है। बोर्ड में निर्वाचित लोग का सिर्फ नियम है, बोर्ड में वही बैठ सकता है। आप निकालिए उनको। नहीं निकाला गया जब चेयरमैन के द्वारा जबरदस्ती किया जा रहा है। किसको किसको बैठा है, किसके नाम चेयरमैन के नजर में का बैठक था, 3 महीना बाद रखा गया था और छोटी से बात के लिए बोला गया। यहाँ कर्मचारी थे, जो कि नियम ऐसा नहीं है, जब भी बोर्ड बैठक होता है तो सभापति रहेंगे, कार्यपालक रहेंगे, उपसभापति रहेंगे और जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो सभी यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके लिए ही कहा गया कि जो भी कर्मचारी है साइड से उनको हटाया जाए और इसी बात से गुस्सा होकर सभापति चले गए। मतलब आप लोग के द्वारा ये मांग किया गया? हाँ, हम ही लोग बोले थे कि यहाँ एक्स्ट्रा लोग जो भी नहीं रहेंगे उनको हटा दिया जाए। मतलब क्या समस्या क्या हो रहा है आपको उन कर्मचारी के रहने से? समस्या कुछ नहीं है, ऐसा कोई नियम कानून प्रावधान नहीं है उनके रहने का, पहले भी संबंधित लोग नहीं। वो मतलब मीटिंग के दौरान आपने बताया कि मीटिंग जो हो रहा है यहाँ से कर्मचारी को बाहर निकाला जाए, यहाँ से पार्षद जीवन प्रकाश, आज सम्मान बोर्ड की बैठक जो है सभापति महोदय द्वारा बुलाया गया, उनकी नकारात्मक और तानाशाही रवैया के कारण जो है आज बैठक जो है स्थगित कर दिया फर्स्ट टाइम। और ये लगभग 3 माह के बाद जो है बैठक बुलाया गया था, इसके पूर्व भी 2 बैठक हुआ जिसका कुछ भी जो है उचित परिणाम जो है नगर के लिए नहीं दिखता। आज तक नगर में एक ईंटा भी किसी वार्ड में अभी तक नहीं लगा जी, और किसी भी तरह का जो है वार्ड पार्षद को जो है प्राथमिकता देने के लिए नहीं है। वार्ड पार्षद कुछ है ही नहीं है, जो है शासक समिति है, बोर्ड कुछ है ही नहीं। 3-3 माह पे जो है बैठक बुलाया जाता है, बैठक होने के बावजूद भी जो प्रोसीडिंग लिखाता है वो संपुष्टि के लिए लाया ही नहीं जाता, जो मन में आता वो चढ़ाता उसको जो है रख दिया जाता है, जिस कारण हम लोग जो है बिना कर्मचारी होने वाले व्यक्ति जिसको हमने बोर्ड में नहीं पास किया उसको जो है बोर्ड की बैठक में बुलाया। कुछ महिला कुछ पार्षद बोले कि भाई ये नियम के अनुरूप है, जो नियम के अनुसार चलिए उठ के चले गए। ये तानाशाही और नकारात्मक रवैया है कि नहीं हमारे सभापति महोदय का, यही चल रहा है लगभग उन लोगों में। वो जो स्टाफ है वो निजी स्टाफ है या सरकारी स्टाफ? हम लोग बोर्ड से उनको पास ही नहीं किए तो निजी ना होंगे, जब हम बोर्ड से पास ही नहीं किए हैं, बोर्ड ही सोर पड़ी है जो हमारे कई नगर परिषद में यह शिकायत सामने आया है कि बैठक के पहले ही वार्ड पार्षद से साइन करा लिया जाता है, उसके बाद मनमाने ढंग से योजना का पास किया जाता है। क्या 100% सत्य है? इसमें कोई शक नहीं है, 100% सत्य और ऐसा ही चल रहा है। वही चीज के लिए आज भी, वही चीज के लिए आज भी हुआ जी, कि वो पहले साइन कराना चाहते हैं उसके बाद अपना मनमाने तरीके से भर लेंगे। दूसरा चीज, सभापति महोदय 3 महीना में एक बैठक बुलाते हैं बोर्ड का, जबकि नियम एक्ट कहता है कि महीने महीने समान बोर्ड का बैठक होना चाहिए और उन्होंने 3 महीना में एक बैठक बुलाते हैं। उसमें भी मान लिया कि 5 गो कौन बाहरी आदमी था, कौन बाहरी लोग था, किसको लाए थे नहीं लाए थे। बोर्ड से हम लोग किसी का नियुक्ति भी अभी तक नहीं किए हैं 9 महीना में,
तो जो कर्मचारी थे ये 9 महीना के बाद आया, मतलब कि पहले के थे? ये इस जो बोर्ड आया है जनवरी, वो कैसे रखे हैं नहीं रखे हैं वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन 30 को 40 को बहाली किया जो कि अवैध नियुक्ति बोर्ड में। नगर पालिका बोर्ड के समान बैठक में नहीं रखा। जैसे नियमता होता है कि आप शासक स्थायी का पावर है, शासक स्थायी समिति का पावर है कि आप बहाल कर सकते हैं, मगर उसको सामान्य बोर्ड से आपको पास करना ही पड़ेगा। मगर ऐसा कुछ होता नहीं, नियम को ताखा पर रख के अपना काम हो रहा है, जो कि वो मैंने आम किसी आम बहाल करने के लिए एक मापदंड भी सरकार तय की है, आचरण भी सत्यापित होता है, उसका डॉक्यूमेंट्स भी सत्यापित होती है, क्या लग रहा है? मगर कुछ भी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं। बार पार्षद का क्या लग रहा है? कार्यपालक पदाधिकारी भी मौन है इस मुद्दे पर क्या? ये तो जवाब कार्यपालक महोदय ही देंगे, हम लोग को पूरे आवेदन के सहित हम उनको इस बात का सूचित दिए, क्या ये अनुरोध सिस्टम का अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीन तीन माप एगो बोर्ड की बैठक है, बोर्ड की बैठक में जो प्रोसीडिंग में चढ़ता है उसको ना संपुष्टि पे रखा जाता है ना प्रोसीडिंग में चढ़ता है। आप लोग जो है कार्यपालक पदाधिकारी से बात किए हैं, उनका क्या कहना है? एक हजार बार क्या कहना है उनका, क्या कहना है? लेटर दिया गया होगा, कहना क्या? पदाधिकारी से ज्यादा दोषी सभापति महोदय, जनता ने उनको चुन कर भेजा, जनता ने हमको भी चुन कर भेजा है, हम किसी बनिया के दुकान से नहीं आए हैं, हमको भी जनता वोट दिया है, हम भी जनता का नेतृत्व करते हैं, लेकिन सभापति अपने तानाशाही रवैये के कारण नगर परिषद को चलने अच्छा से नहीं दे रहा। भैया उनका कुछ कार्य बताइए जिससे कोई कार्य नहीं, 9 महीना में कोई कार्य नहीं है भैया, कोई विकास नहीं है। हम वार्ड नंबर 9 के हैं। आपके वार्ड की मुख्य समस्या क्या है? समस्या है कि आप फैलिएगा तक कि कहीं चल नहीं सकते, गिर जाइएगा दिन में, गली नली कुल टूटा हुआ फूटा हुआ है, साल में 6 महीना पानी से डूबा रहता है, लेकिन इनके पास 9 महीना में कोई विजन नहीं हुआ और ना ही कोई कार्य हुआ। एक से अट्ठाईस वार्ड तक में कहीं भी इन्होंने 50 सीटा नहीं जोड़ा। वहीं सभापति नीलेश कुमार ने कहा कि वे लोग लूट की छूट चाहते हैं, हम ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, पुराने लोगों ने गरीबों का हक मारा है, कई वार्ड पार्षद हैं जो कई आवास ले चुके हैं जिसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। नीलेश कुमार ने कहा कि नए लोग जानकार नहीं हैं और पुराने को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पेयजल उनकी प्राथमिकता है और कई वार्डों में उसकी व्यवस्था की गई है, आवास योजना के लाभुकों को सभा कक्ष में बुलाकर पैसा बांटा गया, अभी भी 14 करोड़ का काम होने जा रहा है। पार्षद लोग का आरोप था कि बैठक को बीच में छोड़कर जो है आप चले गए बिना मुद्दा की बात की। बैठक शुरू कहाँ हुआ? आज तो इतना अच्छा एजेंडा था, विकास कार्यों पर विचार था और उस विकास के लिए हमारे नगर परिषद के कई स्टाफ हमारे साथ बैठे, जय साहब हैं और भी आवास योजना जो देखते हैं और भी जो स्टाफ थे सब बैठे हुए थे, मगर 2-3 पार्षद जो हैं जो अपने को दबंग समझते हैं उन्होंने आते ही कहना शुरू कर दिया कि लोगों को बाहर कर दीजिए। अभी बताइए विकास पर हम लोग जब विचार कर रहे हैं तो अभी फिलहाल में मोकामा में 29-30 योजना हम लोग बड़ा बड़ा 14 करोड़ रुपये का नाप के अभी भेजे हैं, तो उसके बारे में अगर जानकारी मांगेंगे तो जय साहब ही ना जानकारी देंगे, और अब जय को कह रहे कि बाहर आउट हो जाइए तो फिर बताएगा कौन? इस स्थिति में लोग वॉकआउट कर गए। पार्षद का यह भी आरोप है कि 30-40 कर्मी को जो है आप अवैध तरीके से बहाल किए हैं। पार्षद तो डीएम महोदय को चिट्ठी लिख रहे हैं, डीएम महोदय को चिट्ठी लिख रहे हैं और हम लोग सब जगह से जीत रहे हैं। पार्षद महोदय अभी नया है, बहुत लोग अधिकार का मालूम नहीं है और कुछ पुराने जो पार्षद हैं उनका गुमराह कर रहे हैं। आप एक्ट में उठा कर देख लें जितनी भी नियुक्ति है वो सशक्त समिति के पास है और सशक्त समिति का अधिकार है बहाली करने का, और उस पर कोई अगर विरोध करते हैं तो उनके अज्ञानता है, इस चीज़ को वो समझें और जानने का प्रयास करें। पार्षद का यह भी कहना है कि बोर्ड में भी इसकी मंजूरी भी होनी चाहिए। बोर्ड से कोई जरूरी नहीं है, सशक्त समिति अपने आप में संतुष्ट है। आप पेपर का चीज देख सकते हैं, मेरे पास पेपर है, नगर परिषद का सारा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सर कुछ बार पार्षद का यह भी आरोप था कि हर महीने बोर्ड की बैठक नहीं आयोजित की जाती है सर, और वार्ड पार्षद से मीटिंग के पहले ही साइन करवा लिया जाता है सर। ऐसा कुछ नहीं, आरोप तो लगाएंगे, पुराने लोग जीते हैं वो पुराने हिसाब से चाहते हैं, इसे आवास योजना है लूट चाहते हैं, लूट की छूट हो जाए, और आप क्षेत्र में पता कीजिए कितनी निष्ठा से हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने यहाँ नगर परिषद में बुला के लोगों को पैसा दिया, आवास का पैसा बुला के दिया है। आप जनता के बीच जाइए, पानी का समस्या आप वार्ड में जाकर देखिए किस तरह मैंने पानी की समस्या पर कमांड किया है,
आप वार्डो में जाकर देखिए। लेकिन पार्षद तो कह रहे हैं कि 9 महीना में एक ईंट भी कोई किसी वार्ड में मतलब नहीं। 15 साल से लोग कितना ईंट जोड़ के रखे हुए हैं, 15 साल हो गया ना। सभी लोग स्थानीय सांसद महोदय हैं, एमएलसी महोदय हैं, विधायक जी हैं, सभी लोग हैं, और हम लोग क्या काम नहीं किए। कुछ इम्पोर्टेंट वर्क जो है सर कुछ बता दीजिए। क्या जो किया गया आपके कार्यकाल में? कई पीने का पानी जहाँ समस्या था 28 में, 27 में, 26 में, 25 में, 24 में, 23 में, 22 में, 19 में, और ये भी जगह जगह कैंप भी लगवाए गए थे सर, तो क्या उसका लाभ धरातल पर देखा गया सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने आवास योजना के लाभुकों को मुकामा के इतिहास में पहली बार सभा कक्ष में बुला के पैसा बांटा है। सर यह भी मतलब कहा जा रहा है कि पिछले 2 मीटिंग बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसमें जिसका आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और ये मीटिंग जो है 3 महीने बाद मीटिंग बुलाई गई थी और आज भी जो है बैठक स्थगित ही हो गई है। मीटिंग के बाद ही ना 29 एजेंडा जो गया, ये देखिए मेरे हाथ में है, अभी आप देख सकते हैं, ये 29 एजेंडा जो गया ये अथी के बाद ही तो गया, मीटिंग के बाद ही तो गया। मुकामा में 14 करोड़ का अभी अविलंब काम होने के लिए चला गया। कुछ लोग जो पुराने लोग जीत के आए हैं, लोग को दिग्भ्रमित करते हैं, और आप मीडिया बंधु आप लोग को भी दिग्भ्रमित करेंगे। तो क्या सर मोकामा की नगर परिषद की जो जनता है उन्हें क्या व्यथित होने की जरूरत नहीं है? कुछ बार पार्षद की नाराजगी से विकास कार्य जारी रहेगा? बिल्कुल नहीं, एकदम विकास होगा। आप वार्डो में जाइए, मैं पहले पानी पर काम कर रहा हूँ, आप वार्डो में जाइए, अभी विक्रांत जी सामने, इनसे भी पूछिए, इनके भी वार्डो में जाके पानी का काम किया है। और 28 में है जहाँ बिल्कुल दलित बस्ती है, जाकर वहाँ पूछिए आप कितनी समस्या था पानी का। और यहाँ पता कर लीजिए पूर्व में कि कितना आवास योजना में किस तरह पैसा का लूट हुआ था, और आज हम लोग जो कमांड कसे हैं इसलिए बहुत लोगों को तकलीफ है। अभी हाल में ही हम लोगों ने सिविल लगा के पैसा का बंटवारा किया है, मोकामा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। आप पूछ लीजिए जितने भी चेयरमैन थे, उप चेयरमैन थे, क्या कभी उन्होंने जनता के बीच बुलाकर पैसा बांटा है? और हम लोगों ने एक एक जनता के बीच उन्हें बुलाकर सम्मानित करके उनका आवास योजना का राशि उन्हें देने का काम किया है। अच्छा काम कर रहा हूँ, इसके जो पुराना पार्षद है उनको तो छटपटी लगेगा ही। ठीक है, थैंक यू सर। आप मीडिया बंधु जनता के बीच में जाएं और पता करें मोकामा के इतिहास में जितना अच्छा नाला सफाई हो रहा है आज तक ऐसा हुआ होगा तो पता कर लीजिए। दिन रात नाला का सफाई 1 मार्च से लगा हुआ है, और एक एक नाला को चिन्हित करके हम लोग सफाई का करने का काम कर रहे हैं। अभी भी कार्य जारी है, और अभी भी कार्य जारी है, जहाँ जहाँ भी टूटा है फूटा है सभी जगह विकास के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। अभी मोकामा नगर परिषद में अगर कहीं भी वर्षा होती है तो जल जमाव की समस्या नहीं होगी? क्या बिल्कुल नहीं होगी जल जमाव की समस्या नहीं होगी? देखिए पुराने जो वार्ड है, बहुत सारे पुराने जो वार्ड है कुछ का आकार इस तरह बना हुआ जैसे 6 है 7 है 8 है, उस तरह का कटोरा ऐसा बना हुआ, थोड़ा सा बारिश में भी वो पानी जमा हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने मोटर का इंतजाम किया और पानी निकालने का काम हम लोग कर रहे हैं। कि सभा नहीं चल रही है, देखिए हम तो कहेंगे कि हमारे सभापति और हमारे वार्ड पार्षद बहुत है, दोनों का समन्वय बैठा के एक बैठिए और अच्छे से नगर परिषद चले। तो सारा सदन तो आपके यहीं पर है और आप भी खुद यहाँ पे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद भी यहाँ पे हैं, सभापति और 25 पार्षद यहाँ हैं, मतलब हाँ उप सभापति और लगभग 25 पार्षद यहाँ पर हैं, तो मतलब पूरा सदन यहीं पर हैं, और जितना नहीं है उसके बिना भी सदन चल सकता है अगर आप लोग ढंग से चलाए तो, क्योंकि आपकी बहुमत अभी भी सभा में इस सभा कक्ष में बरकरार है। क्या हम यही कहना चाहेंगे कि हम तो चाहेंगे यही कि अच्छे से ये बोर्ड अच्छे से चले, जो हमारे सभापति हैं वो अपने चेयर पे ही बैठे और सबका हम लोग सबका वो प्रतिनिधित्व करे और अच्छे से बोर्ड चले। लेकिन अब अगर इस ढंग का माहौल बनता है और नगर परिषद का काम ठप होता है तो मैं इस पे अपना एक्शन लूंगी, जो मेरा अधिकार है मैं उस पे। सभापति अगर नहीं आएंगे इस बैठक में तो उसके बाद आपका अधिकार होता है, तो क्या आप संचालन करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, अगली बार से अगर ऐसी परिस्थिति आई तो मैं खुद इस मीटिंग का संचालन करूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि नगर परिषद का विकास हो, इसी तरह काम महीनों महीनों ठप नहीं। मोकामा नगर परिषद ही है जहाँ की अभी पार्षद ने 9 नंबर के धीरज कुमार ने बताया कि एक ईटा भी इस 9 महीना में नहीं जुड़ा है, तो अगर सभापति इसके गुनहगार हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी माना जाए। जी हाँ
जी हाँ बिल्कुल, हम हैं साथ में तो हम भी गुनाहगार हैं, कहीं ना कहीं हैं ही, वजह चाहे जो भी हो गुनाहगार हम भी हैं, तो हम भी मान रहे हैं अपने आप को गुनाहगार। और हम जनता की तरफ से चाहेंगे कि सभापति की अनुपस्थिति में आप इस सभा को संचालन करें, कार्यपालक पदाधिकारी को बुलाएं और विकास कार्य के लिए अपना सभा को आगे बढ़ाएं। जी इसके लिए मैं आज के मीटिंग के लिए क्षमा चाहूंगी, क्योंकि हमारे वार्ड अति हमारे सभापति महोदय नीचे बैठे हुए हैं और मीटिंग अभी तुरंत होने से पहले ही भंग हुई और वो चले गए, तो इसलिए इस मीटिंग में मेरा बैठना वहाँ उचित नहीं होगा। और आप कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं अब मीटिंग का संचालन। अच्छा, वो क्या कारण था कि सभापति चले गए? बस हमारे कुछ हमारे वार्ड पार्षद महोदय थे जिनको कुछ बातों से ऑब्जेक्शन थी। किन बातों की? देखिए, आप जनता के द्वारा चुने हुए हैं और यहाँ पर मैंने व्यक्तिगत लगाव और रिश्ता नहीं काम आता, जनता के प्रति आपका उत्तराधिकारी है। ये गलत शब्द जो बोल रहे हैं व्यक्तिगत लगाव, तो मेरा व्यक्तिगत लगाव सभी से उतना ही है जितना हमारे चेयरमैन साहब से है। तो आखिर कारण क्या हुए, क्यों चले गए इतना पार्षद, क्योंकि अध्यक्षता तो पार्षद का ही उनको करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो बोल ही रहे कि कुछ ऐसा मुद्दा था जो हमारे वार्ड पार्षद और हमारे चेयरमैन साहब के बीच समन्वय नहीं बैठ रहा था, जिसके कारण ये। धन्यवाद सर। वार्ड पार्षद के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि समय पर आपका जो अस्थायी समिति का बैठक है वो नहीं होता है, क्या मामला है? अस्थायी समिति की नहीं, बोर्ड की बैठक। बोर्ड की बैठक नहीं, वो तो है, आज वो रखा गया था बैठक और लोग तो सभी थे वहाँ मौजूद, लगे कुछ बातें रहीं, तो आज का एक अगला डेट दिया जा रहा है, मतलब आज के स्थगित कर दी गई। कितने महीने पर आज रखा गया था सर? लगभग लगभग 2-3 महीने हो गए थे। क्या नियम है सर 3 महीने में बोर्ड का बैठक? नहीं नहीं, 1 महीने पर है मुख्य रूप से, लेकिन आपसी समन्वय से ये रहता है कि एक बेहतर तरीके से रहता है। जी सर, कुछ वार्ड पार्षद के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि आपके द्वारा जो नियुक्ति की गई है उसमें कुछ गलत का आरोप लग रहा है सर, गलत अध्यक्ष के द्वारा। पार्षद लोगों का कहना सर कि अध्यक्ष के द्वारा लगभग 40 से ज़्यादा लोगों का बहाल किया गया, वो अवैध तरीके से बहाल हुआ और उसी कर्मी को बोर्ड मीटिंग से बाहर करने की बात जब हुई तो अध्यक्ष जो है उठकर चले गए मीटिंग से। नहीं तो अभी तो बेहतर आप अध्यक्षों से बात करेंगे। आपको जानकारी नहीं है उनकी बहाली की सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही के थ्रू उनका भर्ती हुआ होगा? बिल्कुल है, वो तो एक चीज है कि देखिए वो तो बोर्ड में प्रस्ताव ला करके उस पर डिस्कशन की जरूरत है। यस सर, उसको संपुष्टि की आवश्यकता है जो नियमानुकूल है, मान लिया जाए अगर किसी को रखा गया है जो भी, तो इस पर जो है नियमानुकूल अपन सशक्त ने संपुष्ट कर दिया, सशक्त ने कर दिया, अब उस बात पर मान लिया जाए बोर्ड में वार्ड परिषद के द्वारा उस चीज को लाया जाना होता है मुख्य रूप से, और उस पर अपना डिस्कशन हुआ, अगर उस पर बात बनती है कि ये है या जो जो भी मतलब उस पर निर्णय लिया जाएगा, उसमें बोर्ड और ये सर्वोपरि है इस पॉइंट पर कि क्या उस पर उसका निर्णय रहता है। लेकिन बार पार्षद का यह भी कहना है सर कि बोर्ड की जब बैठक होती है तो पहले ही हस्ताक्षर करा लिया जाता है। नहीं नहीं, वो तो वो हस्ताक्षर कराने की बात तो देखिए वो एक चीज रहती है, वो तो रहता है सबसे पहले कि एक बार कोरम पूरा होने का पहला वो रहता है, जैसे मान लिया जाए कि 2-5 से एक रहता है कि हम लोगों का पहले कोरम पूरा जाए तब वो बैठक ही शुरू होती है, इस वजह से रहता है। तो क्या सभी का है, वो लोग अपना प्रस्ताव ला करके इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या लगता है सर, ये जो टकराव है, अशांति है, ना बिल्कुल आपसी समन्वय के लिए क्षेत्र का विकास, जनता को जो आस है सर, आप लोग से एक उम्मीद है, क्या वो प्रभावित हो रहा है सर विकास का? बिल्कुल बिल्कुल, इससे जरूर प्रभावित हो रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग सभी लोगों को जो है एक साथ अनौपचारिक रूप से भी बैठ करके जहां अगर कोई समस्या है तो इसका निराकरण करेंगे, हम लोग प्रयास इसके लिए की जा रही है। क्या लग रहा है सर, ये राजनीतिक द्वंद है क्या सर? देखिए क्या है वो, अब आप तो भाई ये हम लोग क्या बता सकते हैं। पार्षद लोग सर ये भी कह रहे हैं कि 9 महीना में आज तक जो है एक ईंट भी कोई बाढ़ में नहीं बिछी है, या कितना सही है? ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। आपको पता नहीं है सर? नहीं नहीं, जब वो बोल रहे हैं तो उस पर मैं क्या बोलूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कार्य चल रहा है, लेकिन थोड़ा इन सबों की परेशानियों की वजह से आपसी में थोड़ा गति जो है धीमी है, हम लोग भी चाहते हैं कि ये गति पकड़े और त्वरित ये सब हो, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि समन्वय बना कर करके इसका प्रयास में आप लगे हुए हैं ना? बिल्कुल, और हो भी जाएगा उम्मीद है, कोई बहुत परेशान होने के बाद। क्या परिचय वापस है?